ये कहना जाए कि यू आर द फर्स्ट ऑन एयर पाकिस्तानी, जो ऑन एयर रिकॉर्ड हो रहे हैं, जिन्होंने जिन जो के जरे पाकिस्तान बेस या कराची बेस हैं और जिनका वीजा लगा EB2 और IW को। तो ये EB2 बेसिकली है, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड है, कैटेगरी 2 है। ओके, और ये अप्लाई करते हैं आप तो वीजा पिटिशन तो अप्रूव हो गई, वीजा नहीं लगेगा, तो ये लोग क्यों सोचते हैं ऐसा? ये EB2 NIW लिखते हैं, आपके सामने डिटेल आ देंगी, आप अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए। अस्सलामु अलैकुम जी, मेरा नाम एहसन खान है और आप देख रहे हैं मेरा शो। और आज बहुत ही एक्साइटमेंट है, बहुत खुशी है मुझे, क्योंकि जैसे मैं आपसे कहता हूँ अपने प्रोग्राम में कि मेरी कोशिश ये होती है कि उन लोगों को इनवाइट किया जाए जो लोग बड़े अचीवर हैं अपनी लाइफ के, जिन्होंने बहुत डिफरेंट चीज़ें की हैं जो कि बहुत रेयर हैं, कम होती हैं। तो आज मैंने एक ऐसी शख्सियत को इन्विटेशन दिया है जिन्होंने एक कैटेगरी है यूएस इमिग्रेशन के हवाले से हम बात करें, जो कि बहुत कम लोगों को नॉलेज है उस हवाले से, या बहुत कम लोगों ने वो अचीव की है। सर से बैठ के डिटेल में बात करेंगे इस हवाले से कि एग्जैक्टली क्या चीज़ होती है। वो यूएस इमिग्रेशन है और उसमें फैमिली इमिग्रेशन होती है। एक तो देखें, फैमिली इमिग्रेशन के ज़रिए आपको मिल रहा होता है और एक स्किल्ड इमिग्रेशन होती है। तो इस प्रोग्राम का नाम EB2 NIW है, जिसमें सर की पिटिशन भी अप्रूव्ड हुई है और उनका अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा भी लगा है। तो सर जो क्लाइंट है वो कोरू कंसल्टेंट के क्लाइंट हैं, बहुत मशहूर इमिग्रेशन कंसल्टेंसी है। तो सर से पूछेंगे कि EB2 क्या होता है, तमाम चीज़ें और उनसी सवाल जवाब करेंगे। तो सर का नाम है अशर हयात सिद्दीकी और सर को बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड एक्सेप्टिंग आर रिक्वेस्ट, थैंक यू सो मच सर। तो सर ये प्रोग्राम जिसको बड़ी धूम मची हुई है आजकल, मैं देखता हूँ बल्कि लोग पूछते हैं हर जगह EB2 NIW, और पिछले खास तौर पे कुछ सालों से ये बात बड़ी, तो ये क्या ये प्रोग्राम, थोड़ा सा बताएं लोगों को ये प्रोग्राम क्या होता है, EB2 NIW की क्या बुनियादी, थोड़ा सा अगर आप जो हमारे लोग हैं क्योंकि यहाँ की ऑडियंस बिल्कुल अलग है। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय कोरू कंसल्टेंट। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इमिग्रेशन और स्टूडेंट वीजा, विजिट वीजा, बिजनेस इमिग्रेशन, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट कॉन्टैक्ट टू द नंबर्स मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन एंड अप्लाई ऑन द असेसमेंट फॉर्म। वो चाहती है सीखना, समझना, अंडरस्टैंड करना। तो ये क्या प्रोग्राम होता है सर, ये EB2 NIW? ये बेसिकली EB2 मतलब एम्प्लॉयमेंट बेस्ड। ओके, और कैटेगरी नंबर 2। ओके, इसमें भी एम्प्लॉयमेंट बेस्ड में भी कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5 है। ओके, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट कैटेगरी है। 2 का मतलब ये है कि ये आपकी क्वालिफिकेशन हाई क्वालिफाइड, आप PhD किया है या आपने मास्टर्स किया हुआ है या आपका एक्सपीरियंस वर्क है, यानी सिर्फ PhD अप्लाई कर सकते हैं इसमें? नहीं, आप ग्रेजुएट भी कर सकते हैं। अच्छा, ग्रेजुएट भी। ओके, उसके साथ वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, अगर आप मास्टर्स हैं तो फिर वर्क एक्सपीरियंस की ड्यूरेशन थोड़ी सी कम, फिर PhD पे और। तो ये इट्स डिपेंड ऑन द बोथ वे। ठीक, तो EB2 बेसिकली है, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड है, कैटेगरी 2 है। ओके, और ये अप्लाई करते हैं आप तो ये इमिग्रेशन की कंप्लीट आपको फैसिलिटी देता है, यानी कि ग्रीन कार्ड है बेसिकली। ग्रीन कार्ड है जी, ये अप्रूव होता है और उसके बाद आप ग्रीन कार्ड के लिए फाइल कर देते हैं, वो वहीं जाके जाहिर है US जाके मिलता है। सही, तो इसमें आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है जो मेनली जो है वो इंजीनियरिंग साइड से लोग, इंजीनियरिंग हो, ओके ओके, IT साइड पे भी कर रहे हैं, ग्रेट। इसके अलावा मुख्तलिफ साइंस की कैटेगरीज हैं वो भी करते हैं जी, MBA में भी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जो। अच्छा, मतलब MBA वाले नहीं कर सकते? कर सकते हैं या BBA वाले? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, ग्रेट। ओके, लेकिन ये कि डेफिनेटली फिर उनको सपोर्टिंग के लिए ज्यादा जी हां जी MBA है तो फिर शायद उनके वर्क एक्सपीरियंस ज्यादा चाहिए। ओके, MBA किया हुआ है तो उसके बाद उनको शायद एक कम थोड़ा सा चाहिए एज कंपैरेटिवली जी। बेसिकली मकसद उनका सिंपल इतना है कि जी उन लोगों को इनवाइट किया जाए या उन लोगों को ये इशू किया जाए वीजा जो उनकी अपनी कंट्री के लिए बेटरमेंट के लिए। NIW इसके साथ है, EB2 एक कैटेगरी है उसमें भी वीजे इशू होते हैं और उसके साथ प्लस NIW भी। अच्छा, ये EB2 एक अलग कैटेगरी है, NIW, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये थोड़ा सा बताइए सर ये क्या है EB2 और NIW? जी, EB2 का मतलब तो हो गया कि ये सारी कैटेगरीज, ये सारे क्राइटेरिया जी हैं वो कॉमन है जी। अगर हम उसमें NIW को ऐड कर देते हैं, NIW का मतलब है नेशनल इंटरेस्ट रेट। ओके ओके, वो ये मकसद ये होता है इसका कि ये US के इंटरेस्ट में है कि हम इस क्वालिफाइड बंदे को अपने पास बुलाएं। ठीक है, तो उसके लिए हमें NIW के कैटेगरी को ऐड किया है।
ठीक तो है, अगर ये दो कैटेगरी ऐड हो जाती हैं तो फिर आपके ज़्यादा चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो NIW है उसमें सिंपल यही है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ देना है उन्हें कि आप वाकई क्वालिफाइड हैं, आपको इतना वर्किंग एक्सपीरियंस है, रेलिवेंट एक्सपीरियंस है। ठीक है, और कुछ उन्होंने कैटेगरीज की हुई है अनाउंस के जी जिसकी बेस पे वो ज़्यादा स्पीडी जो है ना उनको स्पीडी प्रोसेस होता है। तो सर अगर इस तरह कहा जाए कि जो बुनियादी इसकी रिक्वायरमेंट है तो 16 साल की डिग्री चाहिए होती है या इससे ज़्यादा, ये बुनियादी तौर पे 16 इयर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें जी, बिल्कुल, और 5 साल का एक्सपीरियंस है तो यू कैन अप्लाई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो सर ये एकदम ज़रूरत क्या पड़ी USA को एकदम से जो धूम मची हुई है दुनिया भर में बल्कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान में के EB-2NIW की, तो एकदम ये एकदम से प्रोग्राम शुरू हुआ है कुछ महीने पहले या कि पहले से था? व्हाई USA नीड सो मेनी पीपल? प्रोग्राम शुरू हुए तो काफ़ी साल हो गए। अच्छा, पाकिस्तान में जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो शायद 19 या 20 में हुआ है। ओके, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। ठीक है, लेकिन कोरू जिसका आपने कंसल्टेंट का नाम जो स्पॉन्सर है इस प्रोग्राम के जी जी, और मेरे जो है काउंसलर भी हैं जी, तो उन्होंने उसने इंट्रोड्यूस कराया जिस टाइम पे, तो वो मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा। देखिए कोरू कंसल्टेंट गाइस, कोरू कंसल्टेंट इज अ कंपनी व्हिच इंट्रोड्यूस EB-2NIW, दैट्स अमेजिंग माशाल्लाह। और उन्होंने ही मतलब मुझे इंट्रोड्यूस कराया, उसके बाद जो है ये प्रोसेस सारा मैंने स्टार्ट किया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है कोरू कंसल्टेंट से मेरा भी ताल्लुक है और वहाँ महावर भी मैं होता हूँ, तो सर को मैंने गाइड किया था इस हवाले से। लेकिन ज़ाहिर है ये प्रोग्राम की नौयत अलग है क्योंकि हम चाहते हैं कि सर बताएं आपको EB-2NIW के हवाले से, ताकि क्योंकि ऑडियंस अलग है तो आप लोग ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि मुझे तो आप देखते ही रहते हैं मुख्तलिफ हवालों से। अच्छा, तो सर ये मतलब ये हुआ कि पहले से ज़रूरत थी USA को, लेकिन जैसे कोरू कंसल्टेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया तो पीपल कम टू नो, लेकिन इससे पहले भी ज़ाहिर कुछ होंगे जो कि जाते होंगे, ऐसा है? इसमें अगर जाते भी होंगे तो हो सकता है पाकिस्तान, क्योंकि इसमें भी दो हैं जो उनकी बुलेटिन आती है मंथली बेस पे आता है जी, उसमें दो कैटेगरीज को वो शो करते हैं जी। EB-2 वो लोग जिन्होंने इस्लामाबाद एम्बेसी से किया जी, पाकिस्तानी है लेकिन इस्लामाबाद एम्बेसी से किया है। EB-2 वो लोग जो पाकिस्तानी है लेकिन इस्लामाबाद एम्बेसी नहीं, आउट ऑफ कंट्री। ओके ऑलराइट, तो ये पहले जो था वो शायद ये वाली कैटेगरी तो चल रही थी लेकिन इस्लामाबाद वाली कैटेगरी उस, तो ये कहना जाए कि यू आर द फर्स्ट ऑन एयर पाकिस्तानी जो ऑन एयर रिकॉर्ड हो रहे हैं जो कि ज़ाहिर पाकिस्तान बेस या कराची बेस हैं और जिनका वीजा लगा EB-2NIW को, तो ये बिल्कुल दुरुस्त होगा? नहीं, मैं पहला तो नहीं कहूंगा अपने आप को ऑन एयर ऑन एयर क्योंकि अब ज़ाहिर पहले भी हुए होंगे लेकिन ऑन एयर यूट्यूब पे जो आप ज़ाहिर वीडियो देख रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में कोई ऐसा आपको पाकिस्तानी जो कराची में रहता हो और जिसका EB-2NIW का वीजा लगा हो ऑन एयर जिन्होंने अपने आपको बताया हो वो आपको नहीं मिलेगा आपकी नॉलेज में कोई ऐसे ही, तो प्रॉब्ली द ओनली गाय। एक हमने पहले रिकॉर्ड करवाया था लेकिन वो जद्दा में थे गालिबन या सऊदीया में थे, ही वॉज वेरी काइंड लाइक अशर सर, तो लेकिन वो पाकिस्तानी तो थे लेकिन वो जद्दा में थे और ज़ाहिर इनका वीज़ा लगा तो उनसे उनके साथ सेशन हुआ था हमारा, तो ये तो बात बिल्कुल ये हो गया कि किस तरह से हुआ सर। तो सर ये जब आपने फर्स्ट टाइम देखा था EB-2NIW के हवाले से तो आपको क्या लगा था कि यार ये प्रोग्राम कोई एग्जिस्ट करता भी है? आपको लगा था नहीं यार ये प्रोग्राम तो समझ में नहीं आ रहा, या आपको क्योंकि लोग कहते हैं अभी तक लोगों को डाउट होता है कि यार ये प्रोग्राम है भी कि नहीं? एग्जैक्टली ऐसे ही है, शुरू में मुझे भी यही डाउट कि ये कोई प्रोग्राम है या नहीं है। मतलब ये है कि जो पहले एक लोगों के माइंड में था कि जी अगर हम आउट ऑफ कंट्री US या कनाडा समझते थे, ऑस्ट्रेलिया समझते थे, USA का तो कोई जिक्र ही नहीं था स्किल्ड में। बिल्कुल ऐसे ही, तो इस वजह से जो है ना वो बहुत शुरू में तो था डाउटफुल, लेकिन जब अप्लाई कर रहे थे तो हमने फिर हम फुली मतलब कंसंट्रेशन के साथ किया उसके अप्लाई भी, और जब पिटीशन अप्रूव हो गई तो फिर उसके बाद मैंने यही समझा कि डिले जरूर हो सकता है लेकिन इंशाल्लाह अब ये होगा बिल्कुल सही, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स हाउ इट गोस। सर मुझे बताइए कि जैसे कि अक्सर लोगों की कन्फ्यूजन होती है कि यार हमारी वीज़ा पिटीशन तो अप्रूव हो गई वीज़ा नहीं लगेगा, तो ये लोग क्यों सोचते हैं ऐसा? असल में डाउट्स क्रिएट करने में तो हम लोग माहिर हैं, हम लोग जो है वो कोशिश हमारी होती है कि जितने हम जो है ना चीजों में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं एज अ पाकिस्तानी कर दें। अदरवाइज ये कि अगर पिटीशन अप्रूव हुई है, सबसे बड़ी चीज ये कि मैं
साइड में रख देता हूँ किसी भी कंसल्टेंट कंपनी को। राइट राइट। मैं ये देखता हूँ कि USCIS जो कि गवर्नमेंट ऑफ US की वेबसाइट है जी, NVC नेशनल वीजा सेंटर गवर्नमेंट ऑफ US की वेबसाइट है जी, वहाँ मेरा प्रोफाइल नजर आ रहा है, मेरा अपडेट नजर आ रही है, तो उसमें भी डाउट क्रिएट करना मतलब ये हो गया कि स्टेबिलिटी है। बिल्कुल सही बात है। तो इस पे जो है वो बेसिकली मेरा ख्याल है कि जो भी हजरात इंटरेस्टेड हैं अगर और करना चाहें तो थोड़ी सी खुद एक्सप्लोर कर लें। अब तो दुनिया खुली भी है, दुनिया खुली है, बिल्कुल सही बात। आपसे भी गूगल EB2 NIW लिखें, आपको 10,000 वीडियोस नजर आ जाएंगे। एग्जैक्टली कि जिनके एप्लीकेशन अप्रूव्ड हुई है उनका ज़ाहिर वीजा भी लगेगा। अच्छा सर, एक और डाउट होता है लोगों को जो कि कुछ सवाल भी आए हुए थे हमारे पास कि हमारा वीजा, क्योंकि अगेन पाकिस्तानी है, हमारे सवाल कभी खत्म नहीं होते, कि वीजा अप्रूव भी हो गया तो वहां जाके मैं और जॉब करना नहीं चाहता, तो ये लोगों को क्यों लगता है कि ये अगर वीजा भी लगा दिया उन्होंने बेचारों ने तो उनको लगता है कि यार हमें नौकरी कौन देगा, माय और जॉब तो मैं नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगी। तो ये जब उन्होंने पिटिशन अप्रूव की है, वीजा भी लगा, तो जाहिर है वो आपको अच्छी जॉब भी मिलेगी आपको नेचुरली। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं उनको जो मुझे इंटरव्यू में, मैंने पहले भी मेंशन किया था कि इंटरव्यू में मुझे उन्होंने क्वेश्चन यही किया था काउंसलर ने कि आपको वहां जाके जो है जॉब मिलना या जॉब के लिए क्या फेस करना पड़ेगा आपको। सही। तो मैंने उनको यही बताया था, जी मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया है ऑलरेडी, लिंक्डइन पे भी मौजूद है और मुझे कंडीशनल ऑफर्स भी मौजूद है मेरे पास। वाह वाह वाह। यानी कि सर ने पिटीशन अप्रूवल के बाद जॉब्स भी हंड की होंगी, तो नेचुरली हाउ इट गोस, तो ये नेचुरल बात है जाहिर है, तो कोई इसमें मेरे ख्याल में प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए अगर आपके पास वाकई रेलेवेंट एक्सपीरियंस मौजूद है। वाह वाह वाह। जॉब्स मौजूद है, बस ये होगा ज्यादा से ज्यादा कि आपकी फेवरेट स्टेट में नहीं मिलेगा इनिशियली, बाकी अदरवाइज जॉब्स की मेरा नहीं ख्याल के कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो सर यूएसए जाके आपका क्या इरादा है, कौन से स्टेट में जाएंगे या क्या आपने सोचा है, कुछ प्लानिंग करी है आपने इस हवाले से? इनिशियली मैरीलैंड को टास्क कर रहे हैं। मैरीलैंड को, बिल्कुल ठीक है। और अगर वहाँ होता है उसके बाद फिर जो है वो डिपेंड करता है कि जॉब कहाँ मिलती है, किस स्टेट। बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट गाइस, दिस इज द मुजारे, ये एक शो था जो कि आपके लिए बताया गया कि EB2 NIW क्या होता है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो नीचे लिंक मौजूद है, उस लिंक को क्लिक करें और अपना असेसमेंट फॉर्म भरें। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास 16 ईयर्स एजुकेशन होना ज़रूरी है, सर ने जो बताया, और 5 ईयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। आइल्स नहीं चाहिए इसमें, इसमें बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, इसमें कोई एज फैक्टर नहीं होता, और इसमें मुख्तलिफ मज़े के बात यह कि लोग अप्लाई करते हैं। सर इसमें सुना हम एक्टर्स भी अप्लाई करते हैं जो एक्सेप्शनल एबिलिटी में एक्टर्स भी आ जाते हैं, या उसका अलग कैटेगरी है? कैटेगरी अलग है, आर्ट्स में, आर्ट वो EB2 EB1 है शायद, वो अकालबन EB1 होगी या कोई और कैटेगरी होगी। एनी वेज, तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं और स्किलफुल हैं और अगर आपकी डिग्री 16 ईयर से कम भी है तो आप कोई और कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, मे बी जर्मनी या अदर कैटेगरी में। तो असेसमेंट का फॉर्म भरना ज़रूर याद रखिएगा और आपकी इंफॉर्मेशन आएगी कोरू कंसल्टेंट के काउंसलर्स के बाद, एंड दे विल गेट बैक टू यू। सर कोई कोई मैसेज देना चाहते हैं जो लोग डरते हैं, घबराते हैं 16 ईयर्स एजुकेशन होने के बाद भी, तमाम तर स्किल होने के बावजूद भी अप्लाई नहीं करते ये सोच के? खैर एक सवाल मेरे दिमाग में आया सर, वो ज़रूर पूछूंगा बिफोर वी क्लोज अप। अब बाइडन जा रहे हैं और ट्रम्प का मोर लाइकली आ रहे हैं, तो क्या ये जो प्रेसिडेंट बदलते हैं तो ये क्या इनकी पॉलिसी बदल जाएगी, EB2 खत्म हो जाएगा प्रोग्राम या रहेगा? लोगों का एक डर रहता है कि भाई हम बहुत देर हो गई है अब EB2 में अप्लाई करने में। इज इट ट्रू, व्हाट इज योर ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन क्या आपकी? मेरा नहीं ख्याल कि कंप्लीट खत्म हो जाएगा। वजह ये कि अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो ये चाइना और इंडिया और 2-3 कंट्रीज के लिए ये 2012 से चल रहा है। वाह 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 वाह। अब वो चेंजेस आ सकती हैं लेकिन कंप्लीट शटडाउन नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात, ऑब्वियसली। और जो स्पेशली वो लोग जो फाइल कर चुके हैं, जो पिटीशन कर चुके हैं, उनका तो डेफिनेटली कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यू डोंट थिंक सो ऐसा? सर मेरा एक लॉजिकल एक सवाल मैं भी पूछता हूं कि देखिए मैं ये कह रहा हूं कि जो प्रोग्राम, मुझे भी लगता है ऐसा होगा, उसकी वजह मैं, आप मुझे दुरुस्त करें, जो मैं, दैट्स हाउ आई थिंक, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। मैं ये सोचता हूँ कि देखिए जो प्रोग्राम का नाम ही नेशनल इंटरेस्ट वेवर हो, जिस प्रोग्राम का शुरुआत ही अपने प्रोग्राम से, यानी अपने बेनिफिट के लिए प्रोग्राम शुरू हो रहा हो, अगर वो चेंजेस करेंगे भी तो मेरे ख्याल में वो किसी और प्रोग्राम में कर सकते हैं, जो सिबलिंग प्रोग्राम में कर लेंगे चेंजेस गालिबन, या फिर किसी किसी और प्रोग्राम में करेंगे जो इररिलेवेंट टू स्किल। ये तो है ही उनके इंटरेस्ट का प्रोग्राम, यानी स्किल लोग हो, तो मेरा भी नहीं ख्याल कि स्किल कैटेगरी में वो चेंजेस करेगा कोई भी प्रेजिडेंट या कोई भी
अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्यों जाएगा? व्हाट यू थिंक सर? एंड दिस इज इट्स वेरी लॉजिकल एज वेल. तो कोई मैसेज जो कि सर एलिजिबल हैं लोग लेकिन अभी भी डरे बैठे हुए हैं कि यार अप्लाई करें नहीं करें, तो उनके लिए कोई मैसेज? दिस इज योर कैमरा सर, इफ यू कैन रिकॉर्ड द मैसेज. जी, जो हजरात क्वालिफाई करते हैं डेफिनेटली, अब वही बात हो रही थी अभी कि जी आप सिर्फ एक गूगल कीजिए EB2 NIW लिखकर, आपके सामने डिटेल आ देंगी, आप अपने आप को इवेल्युएट कीजिए. क्वालिफाइड हैं अगर आप, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास एजुकेशन है और आप वाकई इंटरेस्टेड हैं, दे कैन कांटेक्ट टू कोरू, कांटेक्ट कीजिए और ट्राई जरूर कीजिए. और बाकी ज्यादा चीजें जो भी फैक्टर्स होते हैं उसमें लक भी काउंट करती है, वो सब अपनी जगह, लेकिन ये कि इसमें किसी किस्म का डर और खौफ की तो खैर कोई बात ही नहीं है किसी भी स्टेज पे, लेकिन बहरहाल ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है. तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह फॉर कमिंग एंड एक्सेप्टिंग आवर रिक्वेस्ट. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और गेस्ट के साथ. जब तक अपना ख्याल रखिए. अस्सलामुअलैकुम.